everyone, welcome to Skillshot. Today we are going to do a video on text to column. So what text to column do? Let's see. Text to column क्या करता है? Text को column में convert करता है. तो basically यहाँ पर मैंने एक example दिया है जहाँ पर full name, first name और last name है. मुझे full name को first name और last name में convert करना है, मतलब text को column में convert करना है. तो basically मैं क्या करूँगी, पहले मैं डेटा को सेलेक्ट करती हूँ जिसको मुझे कन्वर्ट करना है. देन अंडर डेटा टैब आई विल गो टू टेक्स्ट टू कॉलम. यहाँ पर एक पॉपअप बॉक्स आ गया है जिसमें बताया गया है कि दो फीचर्स है, एक डीलिमिटेड और एक फिक्स विद. डीलिमिटेड बेसिकली कैरेक्टर जैसे कॉमा टैब उसको सेपरेट करता है. जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रूपा जैन, सुमित सुराना, चेतन चौरिया, हर जगह एक ही चीज़ कॉमन है, दैट इज स्पेस. तो मैं स्पेस से इसको क्या कर सकती हूँ, कन्वर्ट कर सकती हूँ कॉलम में. तो बेसिकली मैं डीलिमिटेड फीचर्स को सिलेक्ट करूँगी, फिर मैं नेक्स्ट में जाऊँगी, फिर यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन ऐसे ही सिलेक्टेड हैं, उसको डीसेलेक्ट करके मुझे खाली स्पेस सिलेक्ट करना है. स्पेस मैंने सिलेक्ट किया, फिर मैं नेक्स्ट में जाऊँगी, फिर यहाँ पर डेस्टिनेशन में मुझे क्या सिलेक्ट करना है, सिंपली फर्स्ट नेम और लास्ट नेम का जो एरिया है वो पूरा सिलेक्ट करके मुझे फिनिश प्रेस करना है. फिर देखिए, देयर इज ऑलरेडी डेटा हियर, डू यू वांट टू रिप्लेस इट, आई जस्ट सिंपली आई विल प्रेस ओके. और यहाँ पर देखिए डेटा अपने आप फीड हो जाएगा. तो बेसिकली हमने क्या किया, टेक्स्ट को कॉलम में कन्वर्ट किया जहाँ पर मैंने डीलिमिटेड फीचर यूज़ किया, क्योंकि यहाँ पर मेरा जो कैरेक्टर है वो स्पेस है, स्पेस कॉमन है, उसके थ्रू मुझे सबको सेपरेट करना है. नेक्स्ट हम जाते हैं डीलिमिटर्स अदर्स में. ये डीलिमिटर्स अदर्स क्या है, लेट्स सी. तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कॉमन क्या है, यहाँ पर सिटी विद पिन कोड में कॉमन है डैश, दैट इज हाइफन. हाइफन जो है हमारा वो कॉमन है. तो बेसिकली मैं क्या करूँगी, मुझे कन्वर्ट करना है सिटी विद पिन कोड को सिटी और पिन कोड में. तो बेसिकली आई विल सिलेक्ट दिस एंड देन आई विल गो टू डेटा ऑप्शन. अंडर डेटा ऑप्शन देर इज एन ऑप्शन टेक्स्ट टू कॉलम, वहाँ पर डीलिमिटेड में जाऊँगी, फिर नेक्स्ट में जाऊँगी. मेरा स्पेस तो है नहीं, लेकिन मैं अदर्स में सिलेक्ट करके डैश ऑप्शन दूंगी. डैश ऑप्शन मुझे लिखना पड़ेगा क्योंकि कॉमन यहाँ पर डैश है और अदर्स में जाना होगा ना, तो ये सेमी कॉलम है ना कॉमा है ना स्पेस है, तो मुझे अदर्स में जाके डैश प्रेस करना होगा. फिर मैं मुझे नेक्स्ट में जाना होगा, डेस्टिनेशन देना होगा. डेस्टिनेशन सिंपली ये होगा आपका, ये डेस्टिनेशन होगा. फिर ओके फिनिश प्रेस करना है. फिनिश प्रेस करने से पहले मैं कुछ बताना चाहती हूँ. जैसे यहाँ पर देखिए बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे जनरल है, टेक्स्ट है, डेट है. जनरल क्या करता है, अगर नंबर है तो नंबर को नंबर में कन्वर्ट करेगा, डेट है तो डेट्स में कन्वर्ट करेगा, और जितना भी रिमेनिंग है उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देगा. तो यहाँ पर मैं जनरल में ही रखती हूँ, आप टेक्स्ट चाहते हो तो टेक्स्ट में भी कर सकते हो. तो जनरल इज बेटर ऑप्शन. फिर मैं फिनिश सिंपली प्रेस करूँगी. डेस्टिनेशन मैंने ऑलरेडी दे दिया है तो मैं फिनिश प्रेस करूंगी. देयर इज ऑलरेडी डेटा हियर, डू यू वांट टू रिप्लेस इट, यस ओके. सो यहाँ पर ये आ जाएगा. तो यहाँ पर मैंने क्या किया, जो मेरा स्पेशल कैरेक्टर था जैसे डैश था, उसको मैंने अदर्स में जाके चेक करके डैश स्पेसिफाई किया और इसको टेक्स्ट को कॉलम में मैंने कन्वर्ट कर दिया. अब नेक्स्ट मैं चलती हूँ कंसेक्यूटिव डीलिमिटर, ये क्या है देखते हैं. अभी देखिए मैं यहाँ पर थोड़ा मैं जूम इन करती हूँ आपको दिखाने के लिए. देखिए यहाँ पर थोड़ा स्पेस है, एक्स्ट्रा स्पेस आ रहा है. यहाँ पर रूपा जैन में देखिए स्पेस बहुत सारा आ रहा है, यहाँ पर भी स्पेस आ रहा है, यहाँ पर एक्स्ट्रा स्पेसेस आ रहा है. तो देखिए स्पेस एक डीलिमिटर है, लेकिन एक्स्ट्रा स्पेसेस का मेरे को क्या करना चाहिए, ये जो एक्स्ट्रा स्पेसेस आ रहा है इसका मैं क्या करूँ. तो सिंपली मैं इसको सिलेक्ट करूँगी, यहाँ पर मैं टेक्स्ट टू कॉलम में जाऊँगी. डेटा अंडर डेटा टैब टेक्स्ट टू कॉलम, सिंपली डीलिमिटेड फीचर्स में जाऊंगी क्योंकि मेरा स्पेस जो है वो कॉमन है. फिर मैं नेक्स्ट प्रेस करूंगी, यहाँ पर अदर्स नहीं होगा, स्पेस होगा, स्पेस को सिलेक्ट करूंगी. लेकिन यहाँ पर एक और ऑप्शन आता है, यहाँ पर आप देखोगे ट्रीट कंसेक्यूटिव डीलिमिटर एज वन. ये क्या है, यहाँ स्पेस एक्स्ट्रा है, मैं चाहती हूँ जो एक्स्ट्रा स्पेसेस है उसको एक ही स्पेस माना जाए. तो ट्रीट कंसेक्यूटिव डीलिमिटर्स एज वन, मतलब ट्रीट एक्स्ट्रा स्पेसेस एज वन.
तो मैं क्या करूँगी, इसको अगर अनचेक करूँगी तो एक्स्ट्रा स्पेसेस को वो एक्स्ट्रा स्पेसेस ही मानेगा, लेकिन अगर इसको चेक करूँगी, सिलेक्ट करूँगी, तो एक्स्ट्रा स्पेसेस को वो खाली एक स्पेस मानेगा। फिर मैं नेक्स्ट में जाऊँगी और देखिएगा इसको जो डेस्टिनेशन है मैं सिलेक्ट सिंपली करके फिनिश कर दूंगी। देयर इज ऑलरेडी डेटा हियर, डू यू वांट टू रिप्लेस इट? ओके, देखिए अपने आप आ गया। मैं वापस इसको अलग वे में आपको दिखाती हूँ। टेक्स्ट टू कॉलम अगर मैं जाती और टी लिमिट में जाके मैं स्पेस तो मैंने सिलेक्ट कर लिया, लेकिन ट्रीट कंसेक्यूटिव डीलिमिटर एज वन मैं सिलेक्ट नहीं करती और मैं आगे बढ़ जाती, तब क्या गलती होता देखते हैं। मैं ये डेस्टिनेशन में सिलेक्ट कर चुकी हूँ, फिर मैं फिनिश करती, ओके प्रेस करती। देखिए कैसे डेटा आ रहा है, यहाँ रूपा आ रहा है, यहाँ जैन आ रहा है। तो ये एक्स्ट्रा स्पेसेस को क्या कर दिया है, कॉलम्स में कन्वर्ट कर दिया है। तो ये जो चीज़ है एक्स्ट्रा स्पेसेस एज वन, उसको करने के लिए हमको ट्रीट कंसेक्यूटिव डीलिमिटर एज वन करना, प्रेस करना पड़ेगा। तो पहले मैं इसको सिलेक्ट करूंगी, फिर वापस मैं एक बार आपको दिखा दूं, टेक्स्ट टू कॉलम में जाकर नेक्स्ट करूंगी, डीलिमिटर में जाके फिर स्पेस में, यहाँ पर ट्रीट कंसेक्यूटिव को चेक करना है, क्योंकि हम लोग को क्या बताना है एक्सेल को कि जो एक्स्ट्रा स्पेसेस है उसको मेरे को एक ट्रीट करना है। फिर मैं इसको नेक्स्ट करके, देखिए जनरल में ही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको फिनिश कर सकती हूँ। पहले डेस्टिनेशन डाल देते हैं, डेस्टिनेशन डाल के मैं इसको सिंपली फिनिश कर दूंगी और ओके प्रेस कर दूंगी। देखिए क्या डिफरेंस आया ट्रीट कंसेक्यूटिव डीलिमिटर एज वन में चेक करने से और अनचेक करने से, देख सकते हैं आप। अब नेक्स्ट में टेक्स्ट क्वालिफायर क्या है देखते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ही आ रहा है, यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा आ रहा है। तो इसको जो इन्वर्टेड कॉमा है इसको हम लोग क्या मानते हैं, इसको हम लोग एज अ टेक्स्ट मानते हैं। तो अब हम जाएंगे सिंपली टेक्स्ट टू कॉलम में, यहाँ पर देखिए स्पेसेस भी है थोड़ा बहुत और आपका सेमी कॉलम भी है। तो मैं टेक्स्ट टू कॉलम में जाती हूँ, मैं डीलिमिटर ही यूज़ करूँगी, यहाँ पर सेमी कॉलम भी यूज़ करूँगी। और टेक्स्ट क्वालिफायर में अगर मैं नन करती हूँ, ये टेक्स्ट क्वालिफायर है, ये जो इन्वर्टेड कॉमा है टेक्स्ट क्वालिफायर है, अगर मैं इसको नन करती हूँ तो देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। नेक्स्ट में जाते हैं और इस एरिया को सिलेक्ट कर देते हैं, यहाँ पर सपोज मुझे चाहिए, मैं फिनिश प्रेस करती हूँ। देखिए कैसे इन्वर्टेड कॉमा भी आ गया, लेकिन मेरे को ये इन्वर्टेड कॉमा जो आया है, ये जो देख रहे हो आप इन्वर्टेड कॉमा आ गया, ये मुझे नहीं चाहिए। तो सिंपली मैं क्या करूँगी दिखाती हूँ, पहले इसको सिलेक्ट करूँगी, फिर टेक्स्ट टू कॉलम में जाऊँगी, डीलिमिट फीचर्स में जाऊँगी, फिर उसके बाद सेमी कॉलम तो हमको सिलेक्ट करना ही है, स्पेस भी सिलेक्ट करना ही है, फिर टेक्स्ट क्वालिफायर में जाकर मुझे इन्वर्टेड कॉमा सिलेक्ट करना होगा, फिर नेक्स्ट जाके मुझे खाली डेस्टिनेशन देना होगा, क्लियर करके मैं यहाँ डेस्टिनेशन देके इसको फिनिश कर दूंगी। अब देखिए इन्वर्टेड कॉमा नहीं आया, क्योंकि मैंने टेक्स्ट क्वालिफायर में स्पेसिफाई कर दिया था कि इन्वर्टेड कॉमा भी है, तो इसलिए इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पर नहीं आया। तो ये टेक्स्ट क्वालिफायर का यूज था। देखिए हमारे पास दो ऑप्शंस थे, मैंने आपको दिखाया था कि एक डीलिमिट फीचर्स का ऑप्शन था और एक हमारे पास ऑप्शन था फिक्स विद। देखते हैं ये क्या है, पूरा सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मेरा डिटेल है, एक तो मेरा प्रोडक्ट नेम है और एक कोड है। प्रोडक्ट का शॉर्ट नेम है, जैसे टी वी सी टी एस डब्ल्यू डब्ल्यू क्यू शॉर्ट नेम है, और कोड है प्रोडक्ट का, मेरे को सेपरेट करना है। अब आप देखोगे कि टी वी टू कैरेक्टर है, सी टी भी टू कैरेक्टर है, एस डब्ल्यू भी टू कैरेक्टर है और डब्ल्यू क्यू भी टू कैरेक्टर है। तो बेसिकली मुझे फिक्स विद यूज़ करना है। तो कैसे यूज़ करूँगी, सिंपली डेटा में जाऊँगी, फिर टेक्स्ट टू कॉलम में जाऊँगी, फिर यहाँ पर एक फिक्स विद का ऑप्शन आता है, फील्ड्स आर अलाइंड इन कॉलम विद स्पेसेस बिटवीन ईच फील्ड। ये क्या करता है देखते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं विथ बता सकती हूँ, क्लिक करूंगी यहाँ पर, जैसे मेरे को यहाँ पर विद बताना है, यहाँ पर मुझे सेपरेट करना है, तो यहाँ क्लिक करूंगी। अगर मैं डबल क्लिक करती हूँ तो वो लाइन हट जाता है, सिंगल क्लिक करने से लाइन आ जाता है। तो विद मैं स्पेसिफाई कर चुकी हूँ कि मेरे को कहाँ से सेपरेट करना है। तो यहाँ से, यहाँ मैं क्या कर रही हूँ, लाइन फॉर्म करके सेपरेट कहाँ करना है वो बता रही हूँ एक्सेल को। ओके,
आपको मूव करना है तो आप लाइन को क्लिक करके ड्रैग कर सकते हो, डबल क्लिक करोगे तो डिलीट हो जाएगा, एक क्लिक करके आप स्पेसिफाई कर सकते हो कि कहाँ से आपको डिवाइड करना है, फिर आप नेक्स्ट में जाओ, फिर सिंपली डेस्टिनेशन आप सिलेक्ट कर सकते हो। डेस्टिनेशन मेरा ये है, ये एरिया, ठीक है, फिर मैं फिनिश प्रेस करूँगी, ओके कर दूंगी। देखिए टीवी और ये जो कोड है, कोड और प्रोडक्ट नेम अपने आप सेपरेट हो गया, क्योंकि मैं स्पेसिफाई कर रही थी कि मेरा कौन सी जगह से सेपरेट होगा, वो एक लाइन में बता रही थी। तो फिक्स विड्थ क्या होता है, अगर आपका जो लेंथ है वो फिक्स है, जैसे यहाँ पर टीवी सीटी एसडब्ल्यू डब्ल्यू क्यू वो टू कैरेक्टर्स है, तो वहां से मैंने स्पेसिफाई कर दिया कि वहां से मेरे को सेपरेट करना है उनको, तो फिक्स विद हम लोग वहां यूज कर सकते हैं। जब एक ही लेंथ से मेरे को सेपरेट करना हो तो सिंपली मैं एक्सेल को बताती हूँ कि यहां से ब्रेकअप लाइन होना चाहिए। नाउ एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है टेक्स्ट टू कॉलम का, जरा देखते हैं, थोड़ा जूम इन करना होगा मुझे, आपको होप सो दिख रहा है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो है ब्लॉक बी 9F नियर इंडिया गेट हनुमान नगर दिल्ली 71102, ये पूरा एड्रेस दिया हुआ है। मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ लैंडमार्क चाहिए, सिटी चाहिए और पिन कोड चाहिए। लैंडमार्क क्या है अपना, नियर इंडिया गेट, मतलब मुझे हनुमान नगर नहीं चाहिए, खाली इंडिया गेट चाहिए, दिल्ली चाहिए और क्या चाहिए, पिन कोड चाहिए, सिटी और पिन कोड चाहिए। तो सिंपली इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर देखिए क्या कॉमन है, कॉमा कॉमन है, हर जगह कॉमा आ रहा है। तो बेसिकली मैं कहाँ जाऊँगी, टेक्स्ट टू कॉलम में जाऊँगी, डी लिमिट फीचर में जाऊँगी, नेक्स्ट प्रेस करूँगी, ये सेमी कॉलम तो मुझे चाहिए नहीं, स्पेस भी नहीं चाहिए, सिंपली मुझे कॉमा चाहिए, तो कॉमा से सेपरेट कर लूँगी। फिर मैं नेक्स्ट में जाऊंगी, यहाँ पर एक और फीचर है, डू नॉट इम्पोर्ट कॉलम, स्किप कॉलम, यहाँ पर एक फीचर है डू नॉट इम्पोर्ट कॉलम। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बेसिकली मैं एक, जैसे मुझे ब्लॉक बी नहीं चाहिए, ऑलरेडी सिलेक्टेड है, तो मैं यहाँ पर प्रेस करूंगी डू नॉट इम्पोर्ट कॉलम, तो अपने आप स्किप हो जाएगा। फिर वापस से मुझे 9F नहीं चाहिए, तो इसको सिलेक्ट करूंगी और मैं प्रेस करूंगी डू नॉट इम्पोर्ट कॉलम। फिर मुझे क्या नहीं चाहिए, हनुमान नगर नहीं चाहिए, तो मैं उधर सिलेक्ट करूंगी माउस से और फिर मैं प्रेस करूंगी डू नॉट इम्पोर्ट कॉलम। फिर मैं क्या करूंगी, सिंपली इसको फिनिश कर दूंगी। पहले फिनिश करने से पहले हमको डेस्टिनेशन बताना पड़ेगा, तो थोड़ा मैं ड्रैग करके यहाँ लाते हूँ, डेस्टिनेशन मेरा यहाँ होगा, फिर फिनिश कर दूंगी मैं, ओके कर दूंगी। अब देखिए खाली लैंडमार्क आया, थोड़ा मैं अच्छा से आपको दिखा दूं, खाली लैंडमार्क आया है, सिटी आया है और पिन कोड आया है। तो बेसिकली वहां पर एक फीचर है, मैं वापस से आपको दिखाती हूँ, डेटा में जाके टेक्स्ट टू कॉलम में एक फीचर है, क्या फीचर है, डी लिमिट में जाके नेक्स्ट करके यहां पर एक फीचर, पहले तो मैं कॉमा प्रेस करके इसको डिवाइड कर चुकी हूँ, फिर यहाँ पर एक डू नॉट इम्पोर्ट कॉलम स्किप का ऑप्शन है, वो जिसको मुझे इम्पोर्ट नहीं करना है, जिसको मेरे को कॉलम्स में कन्वर्ट नहीं करना, उसको बेसिकली इस डेटा प्रीव्यू में क्लिक करके सिलेक्ट करूँगी, जैसे यहाँ पर, और डू नॉट इम्पोर्ट प्रेस कर दूंगी। ये सिंपल है, इसको करके हम लोग जो अननेसेसरी कॉलम है, जो मुझे रिक्वायर्ड नहीं है, उसको मैं स्किप कर सकती हूँ। सो गाइज, इस वीडियो में हमने बहुत सारे यूजर्स जाने टेक्स्ट टू कॉलम के, तो ये बहुत यूजफुल टूल है जब आपको डेटा यूज में लाना है, समझना है, डेटा को एक्सट्रैक्ट करना है, जो यूजफुल डाटा है उसको रखना है, अगर वर्ड से आपको एक्सेल में इंपोर्ट करके उस डेटा को यूजफुल बनाना है तो आप इसके थ्रू कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइज, इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें, और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं कि और कैसे मैं अपने वीडियोस को इम्प्रूव कर सकती हूँ। थैंक यू सो मच गाइज़।